विधानमंडल सत्र के एक दिन पहले तेजस्वी यादव लालू प्रसाद को लेकर वापस पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के साथ ही सवालों की झड़ी उन पर लग जाती है और ये सवाल वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है इसको जन्म दिए हुए हैं। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पर आए, लालू प्रसाद ने चुप्पी साध के रखी और तेजस्वी यादव सवालों का जवाब देते रहे। उन्होंने चार्जशीट वाले सवाल से लेकर के बाकी के सभी सवालों का जवाब दिया और सभी सवालों का जवाब बिल्कुल ही संतुलित था। लेकिन अभी सवाल और जवाब का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। ये सेशन जब तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार विधानमंडल के परिसर में खुद पहुंचे तो पत्रकारों ने फिर से घेरा और पूछा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। इन सारी बातों का जवाब अभी भी नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने दिया और तेजस्वी यादव ने फिर से वही संतुलित जवाब दिया। हालांकि चेहरे पर दोनों ही ये भाव लाना चाह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये ठीक ठाक वाला जो भाव है वो बहुत कम समय तक दोनों के चेहरे पर रह पाया और इसकी सबसे पहले शुरुआत विधानसभा के अंदर हुई। उसके बाद से तो हंगामा ही हंगामा था और ये हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस हंगामे के जड़ में तेजस्वी यादव थे और उनके शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री वाले विवाद को लेकर के और तेजस्वी यादव सहित अन्य लोगों पर जो चार्जशीट हुआ था उसमें अन्य लोगों से तो नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव चूँकि उनके मंत्रिमंडल में हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए यह कठिन परिस्थिति थी कि उन्हें फैसला क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी स्क्रू टाइट करती जा रही थी और नीतीश कुमार का दायरा घटता जा रहा था। उनके इन लंबे 3 दशक से भी ज़्यादा लंबे कैरियर पर दाग लगना शुरू हो चुका था और इस दाग को लेकर के नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक यात्रा करने के लिए मजबूर नज़र आ रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी तब समाप्त हो गई जब दोपहर होते होते तेजस्वी यादव के चेहरे के भाव बदल गए और मीटिंग का दौर चला, जिस मीटिंग के दौर में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कह दिया कि तेजस्वी यादव का चेहरे का भाव और चेहरा दोनों उतर गया। आपको बता दें कि इन सारी बातों के बाद 2 दिन चले इस विधानसभा विधानमंडल के सत्र में तेजस्वी यादव दोनों सदनों में नज़र आए। अनुपूरक बजट जो है उसकी चर्चा भी हो रही थी और इन सारी बातों को लेकर के चर्चा के बीच हंगामे भी होते रहे। भारतीय जनता पार्टी इतनी अग्रेसिव नज़र आई, उसे ऐसा लग रहा था कि यही वो रास्ता है जिससे सदन को नहीं चलने दिया जा सकता है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मात खा गई भारतीय जनता पार्टी और जो चर्चा चार्जशीट और शिक्षा विभाग में नई नियमावली भर्ती नियमावली को लेकर के थी वो शिफ्ट होकर के सम्राट चौधरी पर आकर के टिक गई। कभी कभी आपका एग्रेशन सारी चीज़ों को समाप्त कर देता है और गुस्से में आदमी अपनी सारी चीज़ें हदें भूल जाता है और यही हुआ। विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, विजय कुमार सिन्हा बार बार बाहर निकल रहे थे, बार बार मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ विधान परिषद में जो कुछ भी हुआ वो पूरे दिन चर्चा का विषय रहा और सारे जो कहा जाता है कि चर्चा थे सरकार को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, वो शिफ्ट कर गया। इसका सीधा मतलब था कि ललन सिंह, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे बहुत कुछ है और यह चुप्पी कई कहानियों को जन्म दे रही है। नीतीश तेजस्वी में पैचअप की खबर अफवाह है यह हकीकत है, इस बात पर अब चर्चा शुरू हो गई है। लालू ललन नीतीश की चुप्पी बता रही है कि खेल अभी बाकी है और खेल आगे भी होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर। विधानमंडल से हम लगातार आपको खबरें दे रहे हैं और नेताओं के बयान भी आप तक पहुँचा रहे हैं, वहीं विधानसभा और विधान परिषद में क्या हो रहा है इससे भी आपको अवगत करा रहे हैं। आज भी हंगामा होगा या बातें काम की होगी ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।